सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका बीएससी सेकेंड सेमेस्टर है उसके जो जूलॉजी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो वो आपका जो पेपर का नाम है वो है कॉम्परेटिव एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स। इसके जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है इस बार आपके जो एग्जाम में आ सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर में, उन क्वेश्चंस को अपन डिस्कस कर लेंगे कि ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जिनको आप पढ़ के इजिली क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। देखिए इन क्वेश्चन पे मैं सीधे सीधे पहले ही बता देता हूँ, इन क्वेश्चन पे आपको कंप्लीट डिपेंड नहीं रहना है। देखिए कई बार क्या होता है, अपन जो क्वेश्चन मैं यहाँ बताता हूँ हो सकता है उसके जस्ट अपोजिट भी आ सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है इन क्वेश्चन को आप पढ़ लोगे तो आप इजिली पास है, वो पास जरूर हो जाओगे। तो चलिए वन बाय वन सारे क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके इस बार एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो आप सबको वैसे तो पता है कि आपकी टोटल जो यूनिट है वो इसमें कितनी है, चार है। तो चारों यूनिट की अपन बात कर लेते हैं कि चारों यूनिट में कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आ जाता है डाइवर्वेटिव्स ऑफ इंट्यूबमेंट जो ग्लैंड्स है इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, एक डिटेल के अंदर आपको पैराग्राफ लिखना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको जो एलिमेंट्री कैनाल है एंड जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वर्टिब्रेट्स की, अब वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से मेन यदि अपन बात करें तो आप पढ़ लीजिएगा जो आपकी एवीज है, मेमल्स है एंड आपकी जो पीसीज है, इन तीनों की जो एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड है इनको आप इजिली देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें तो जो गिल्स है एंड जो स्विम ब्लेडर है ये क्या होते हैं, इसके ऊपर आप एक शॉर्ट नोट है उस शॉर्ट नोट को आप तैयार कर लीजिएगा। ओके तो ये तो अपनी क्या हो जाती है, फर्स्ट यूनिट हो जाती है। सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ लेना है इवोल्यूशन ऑफ हार्ट, जो हार्ट है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है एंड जो एरोटिक आर्टिक है वो क्या होती है, इसको आपको डिटेल में देख लेना है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो आपको विजुअल जो रिसेप्टर है ह्यूमंस के अंदर यानी मेन के अंदर उनको आपको क्या है एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो यूरिनोजेनाइटल जो डक्ट्स होती है वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट्स है उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट तैयार करना होगा। ये होगी आपकी सेकेंड यूनिट। अब थर्ड यूनिट एंड जो फोर्थ यूनिट है इसके अंदर सबसे ज्यादा जो शॉर्ट नोट क्वेश्चन, क्योंकि देखिए जो जूलॉजी का पेपर है इसके अंदर सबसे ज्यादा जो शॉर्ट नोट क्वेश्चन होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं। तो शॉर्ट नोट में बात करें तो आपको बात करना है कि जो आपकी एम्ब्रियोनिक इंडक्शन है ये एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या होता है, इसको डिटेल के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है। साथ में जो मोर्फोजेनेसिस है वो मोर्फोजेनेसिस क्या होती है उसको भी आपको इजिली देख लेना। देखिए यहाँ पे जितने भी आपको ये क्वेश्चन दिख रहे हैं इसके जो नोट्स हैं वो भी आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे एंड इसके जो वीडियो लेक्चर है वो भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप इनके आंसर है वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, इस पार्थेनोजेनेसिस के ऊपर आपको शॉर्ट नोट तैयार करना है। साथ में जो पॉलीस्पर्मी होता है ये पॉलीस्पर्मी क्या होता है इसके ऊपर भी आपको डिटेल के अंदर इसकी पूरी जो मैकेनिज्म है उसको आपको क्या करना है एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपके जो क्लीवेज है क्लीवेज के कितने टाइप्स होते हैं, इसके पैटर्न्स क्या है उसको आपके मतलब कुल मिला के बात है कि जो क्लीवेज है इसे क्लीवेज को आपको क्या है डिटेल के अंदर पढ़ लेना है। साथ के अंदर जो फेट मैप होता है ये फेट मैप आखिरकार क्या होता है इसको भी आपको इजीली देख लेना है। ये तो आपकी होगी तीसरी यूनिट। अब चौथी यूनिट की बात करें तो फोर्थ यूनिट के अंदर जो आपको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन है चिक की, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। साथ में इस क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना है कि जो आपके जो प्लेसेंटा होता है मेमल्स का उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं एंड उसके जो टाइप्स है वो क्या है, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो स्टेम सेल होती है वो स्टेम सेल क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है ये आपको बताना है। साथ में जो क्लोनिंग होती है वो क्लोनिंग आखिरकार क्या होती है, एसोसिएटेड जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होती है जो आर्ट होती है वो आर्ट क्या होती है, इनके ऊपर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी में आने वाले, तो आप इनको अच्छे से आपको पढ़ना है। एग्जाम के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक एंड इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे इजीली मिल जाएंगे हर एक टॉपिक के। इसके अलावा हर एक टॉपिक ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे लिखे हुए क्वेश्चन है इनके ऑलमोस्ट जो वीडियो लेक्चर है वो भी आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, तो उनको भी आप इजिली देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।